कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली में 3 शीतल पेयजल आउटलेट का किया उद्घाटन। हमारी ये नगर पंचायत जो है, जो इनके सार्वजनिक क्षेत्र है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, उनके लिए ये प्याऊ जो है इनकी व्यवस्था की है। ये तो बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे लगभग सभी ऑफिस जो है एक ही छत के नीचे, कोई दूर पार नहीं जाना पड़ता, दो दो तीन तीन मिनट का रास्ता है। और ये जो हमारा कम्प्लेक्स है, पानी के विभाग का, पीडब्ल्यूडी के विभाग का, बिजली के विभाग का, ये साथ साथ है। तो जो भी दूर दराज से हमारे किसान लोग, मजदूर लोग और कुछ महिलाएं काम के लिए जहाँ आती हैं, तो उनको साफ सुथरा पानी पीने की समस्या होती है। जैसे कि अक्षर साहब कह रहे थे, किसी दुकान में गोदों खेदनी पड़ती है, किसी बच्चे को पानी पिलाना पड़ता है, तो भी कोई घर किसी के घर में जाना पड़ता है या किसी ऑफिस में जाना पड़ता है। एक अच्छी व्यवस्था है कि कम से कम जो हमारे जल प्यो जो हैं उनमें साफ सुथरा ठंडा पानी गर्मियों में मिलेगा। और जो हमारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, किसी ने चाय की दुकान खोली है, किसी ने जो है वो रेड़ी वगैरह लगाई है, उसको भी पानी की व्यवस्था जहाँ नज़दीक में है। हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज लोग रहते हैं, दाखिल हो जाते हैं। और हिमाचल के जो बहुत से मैं हॉस्पिटल देखे हैं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। जब मैं पहली बार हिमाचल प्रदेश का पानी का वजीर बना, तो मैंने जितने भी सार्वजनिक हमारे सरकारी ऑफिस थे, हॉस्पिटल था, हमारे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थे, रेस्ट हाउसेस थे, बच्चों के छात्रावास थे, महिलाओं के छात्रावास थे, मैंने उस वक्त हर जगह जो है वो हैंडपम्प लगा के उनमें मोटर डाल करके पक्के पानी की व्यवस्था की। जैसे आपके धर्मशाला देख लो, पालनपुर देख लो, आपका जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज देख लो, तो जहाँ पानी है वहाँ सफाई होती है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये हमारी जो नगर पंचायत है, जिसके बहुत से सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, साफ सुथरे बाथरूम जरूर हों। अगर दूर दराज से लेडी आ जाती हैं, कोई नौजवान आ जाता है, कोई बच्चा आ जाता है, और कोई भी बाथरूम सार्वजनिक प्लेस के ऊपर नहीं है कि जहाँ जा कर के वो बेचारे जो हैं वो जाके जो है वो उसका जो है वो प्रयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, कांगड़ा।